फातिमा एकेडमी इल्मे नाफे का एक सेंटर है जहाँ पर जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने दो सेंटर अलग अलग लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, ख़ास तौर से मदरसा प्लस और हिप्स प्लस के लिए दिया है। मैं ये महसूस करता हूँ कि इन बच्चों पर शाहीन जो खिदमत कर रही है और उसके ज़रिए से जो इलाके में तासुर कायम हो रहा है और बिलखुसूस जो तलबा और तालिबात में जो कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है वो काबिल ज़िक्र है, काबिल दीद है और डॉक्टर साहब काबिल मुबारकबाद हैं। मेरे भाई हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद मैं काम करने के लिए चला गया। मैं काम किया, काम करते करते काम के हालात को मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं, काम को नहीं हमें पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। खुदा ने दी ज़िंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार। खुदा ने दी ज़िंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, लेकिन ज़िंदगी के राह पर जिसने चलना सिखाया, इसलिए मैं हूँ अपने शाहीन का शुक्रगुजार। शाहीन ग्रुप वालों ने हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन और हाफिज़ कुरान के लिए तो एक तोहफ़ा तैयार किया है जो अनमोल है। अब्बा साहब बोले कि आपको स्कूल में पढ़ना है, लेकिन घर का मुआशी हालत इतना ठीक नहीं था कि हम स्कूल में पढ़ सकें, तो हम चाहते थे कि मतलब कम पैसे में कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज मिल जाए जहां पर हमें मैट्रिक के साथ साथ डॉक्टर इंजीनियर भी बनाया जा सके, कि हंसते हुए लुटा देंगे हम अपनी जान को, घिसटने ना देंगे कभी शाहीन ग्रुप की शान को। हंसते हुए लुटा देंगे हम अपनी जान को, घिसटने ना देंगे कभी शाहीन ग्रुप की शान को, हम शाहीन के स्टूडेंट हैं साहब, कभी किसी को अनपढ़ रहने ना देंगे। बहुत अच्छा से बेसिक को तैयार किया गया है और मेहनत इस कदर होता है हमारा कि छः बच्चे में एक टीचर दिया गया हम सबको और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हम सब के लिए, हम सब पे। हफ्ते में जो भी पढ़े आप उसको टेस्ट देना होता है, तो उस टेस्ट में मैं 10 दिन 15 दिन के बाद बहुत 5 नंबर 6 नंबर ऐसे लाता था, तो सर लोग बोले कोई दिक्कत, मैं बहुत मायूस होता था, मुझे लगता था कि अब कैसे होगा। सर लोग मुझे मोटिवेट करते थे, नहीं मेहनत कीजिए इंशाल्लाह होगा, क्योंकि आप लोग हाफिज़ बच्चे हैं, आप लोग कर सकते हैं ऐसा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सर लोग इतना मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे मेहनत करना चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद मैं 10-15 दिन के बाद, 2 महीना, मुझे 3 महीना हो गया है यहाँ पे, मैं अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि मैं अब हर हफ्ते जो मैं 10 लाता था पहले, अब मैं 25 में 25 लाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मैं अज़ीमुद्दीन, सेंटर हेड फातिमा एकेडमी इटकी रांची। तो एज ए सेंटर हेड मैंने बच्चों को मोटिवेट किया कि किस तरह से आपको क्लास करना है, टीचर आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, आपके लिए टीचर हाजिर हैं, मैं हाजिर हूँ, आप किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी आप टीचर के सामने, सेंटर हेड के सामने रखिए, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने जब ASU मेथड के ज़रिए बच्चों को तालीम देनी शुरू की, टीचिंग करनी शुरू की, तो बच्चे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे, चूँकि ASU मेथड जो रखा गया है बहुत ही अपने आप में यूनिक है। इसमें एज ए मैथ फैकल्टी में यह देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने शुरू से गिनती को नहीं जानते थे, जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, उसका फिर फ्रैक्शन, डेसिमल, तो शुरू में बहुत सारा चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन धीरे धीरे यह सब चीज़ें हल होती गई, चैलेंजिंग जो काम होते थे, टास्क होते थे, धीरे धीरे यह काम आसान होने लगा। और मैं शाहीन ग्रुप में एज ए साइंस फैकल्टी मैं यहाँ अपना वक्त दे रहा हूँ। इवन कि अगर बच्चे जो 9-10 तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और वो जब पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ी बहुत मैंने मैथ्स की भी बुक्स देखी है कि उनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न से स्टार्ट करते हैं, और इवन कि 10th तक का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर देते हैं। शाहीन के ज़रिए से मदरसा प्लस पर और हिफ प्लस पर काम करके
जो मिल्लत इस्लामिया को इकोनॉमिक्स से जोड़ने की जो उनकी काविशें हैं वो काबिल सताइश हैं। मैं मुल्क व मिल्लत के तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वो बच्चे जो कहीं पर सिर्फ हिफ्स करके या वो बच्चियाँ जो ड्रॉप आउट होकर के अपने घरों पर बैठे हैं उनको इस प्रोग्राम के साथ शामिल होना चाहिए और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए इस रास्ते को अपनाना, इनसे जुड़ना और इस सिलेबस को अपना करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और न जाने दिगर शोबेजात के लिए तैयारी करना उनके लिए बहुत आसान होता है। तो शाहीन का ये कदम काबिले मुबारकबाद है।